गुरु तेग बहादुर साहब नूं सुनिया मिल जांदा है असाम महाराज तुहाडे ग्रह विखे पटने दी धरती ते बालक प्रगट होए ने प्रकाशवान होए ने। गुरु तेग बहादुर साहब ने हुक्मनामा भेजिया ते की लिखदे ने, बालक दा नाम गोबिंद राय रखना है, साहेबजादे दे रहायश दे वास्ते अवल हवेली का इंतजाम करना। ये हुक्मनामे डॉक्टर गंडा सिंह होना पब्लिश किए हुए ने। गोबिंद राय, गो धरती, बिंद पालनहार अकाल पुरख, राय सबना दा राजा प्रगट हो गया है, अकाल दुनिया ते प्रगट हो गया है मनुखी जामा पहन के। ते वेखो की आख्या, अवल हवेली पटने दी सब तो सुंदर ते उची हवेली विच पड़ा लवाउणा है गोबिंद राय दा, क्योंकि खुद खुदा ने। ते इत्थे असीं पत्थर नूं ही रोई जाने भी 1500 रुपये नूं फुट पत्थर लाता बंगला साहब गुरुद्वारे। वो हद होगी, तू चमदा लफाफा है, तेरे रहन लई 1500 रुपये वाला पत्थर लग सकता इटालियन मार्बल घर विच, वजूद भी तेरा कुछ नहीं। ते जेड़ा खुद खुदा दा दरबार है, इन्ना गुरद्वारिया दी मर्यादा बहाल करन लई खालसे ने सिर लाए ने, तू पत्थर नू रोई जाना है, सोने नू रोई जाना है। पुछो गुरु ग्रंथ साहिब नू, चंगे बस्तर सोना गिफ्ट चंगियां इमारतां ये गुरु दियां चाहीदियां ने। महाराज कहिंदे, पाट पटंबर बहु बिद सत कर मुख संचहो, तिस पुन की फिर तोट ना आवै। जेड़ा चंगे पदार्थ, चंगे वस्त्र, चंगे उपहार गुरु दी शरण ले जावेगा, उहदे खजाने कदे नहीं मुकणगे। इहदे गुरु ग्रंथ साहिब दा हुक्म है, हुण किथे दौड़ोगे। अत ऊचा तां का दरबारा अंत नहीं कशपारा वारा, जे तेरी कोठी दो मंजली है ते दरबार दा लेंटर तीन मंजिल ते हुंदा। फिर कहू हर समान नहीं राजा, वाहो वाहो बाणी निरंकार है, निरंकार दी बाणी निरंकार स्वरूप, इहदे वर्गा किहड़ा राजा। इहदा महल फिर इदां दा ही हुंदा जिदां दा बंगला साहिब है। सतगुर देव प्रतख हर मूरत, जो अमृत बचन सुनावै। तो अकाल स्वरूप ने गुरदेव, इन्हां लई अवल हवेली विच इंतजाम करो रहन सहन दा। इसे तरह ही होया, पटने बड़ी सुंदर हवेली विच आसन लवाया गया गुरु परिवार दा।